बाल मनोविज्ञान के टोटल 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा न्यू पैटर्न के हिसाब से। डेली क्लास कराएंगे आपको, पार्ट वन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हॉस्टल वार्डन के 10 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार आपका कंप्यूटर का 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। और भी व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, बाल मनोविज्ञान से पूछे गए प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न? टोटल 40। पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नए बंदे हैं हमारे क्लास में। स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान का पहला प्रश्न। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर स्किनर होगा। कौन होगा? स्किनर। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताते चलूंगा। बाल्यावस्था होती है, जो बाल्यावस्था की जो काल होती है आपका 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। ठीक, उसी प्रकार आपका व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था होती है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। आकार सोच समझ और कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध होता है, जो परिपक्वता का जो संबंध होता है आपका विकास से। आंसर ए। टोटल में 40 एमसीक्यू लेकर आया हूँ बाल मनोविज्ञान से न्यू पैटर्न पर, है ना। तो छात्रावास अधीक्षक में 10 नंबर का नया सिलेबस जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। तनाव और क्रोध की जो अवस्था है, तनाव और क्रोध की जो अवस्था है कौन सी अवस्था है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? जो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। ठीक है, तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है ना किशोर अवस्था में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बालक का विकास के जो परिणाम है वंशानुक्रम वातावरण के अंत क्रिया से। ठीक है, एक बच्चे की मानसिक आयु, मान लीजिएगा एक बच्चे जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि की क्या होगी? बुद्धि कैसी होगी? 110, 100, 120 या 83? तो इसका आंसर क्या होगा? 120। चलिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र, इसे भी आप पढ़ना चाहते हैं ना, ये आपका पार्ट वन वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, ये कौन सा है? हॉस्टल वार्डन का कंप्यूटर का क्लास। ठीक है, जिसमें एग्जाम में पूछे गए थे शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। कौन सा है? स्नायु मंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि श्याम पट्ट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मान लीजिएगा हम श्याम पट्ट जैसे कि ब्लैक बोर्ड है ना, तो ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे सबसे अच्छा क्या होगा? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना है छोटे अक्षरों में लिखना, आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए मेरे हिसाब से, देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो श्याम पट्ट जैसे कि आपका स्किन है, तो स्किन में आपको लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट की होनी चाहिए ना। जैसे मैं आपको श्याम पट लिख रहा हूँ, अगर श्याम पट को मैं अच्छी तरीके से लिखूंगा, अच्छी तरीके से वीडियो आएगा आपका, तो अच्छी लिखावट रहेगी, तो अभी आप हमारे क्लास में जुड़ेंगे ना, ना कि धुंधली दिखाई देगी। ये होता है अच्छी लिखावट के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। उसी प्रकार आपका है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ठीक, आंसर ए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। इसका आंसर डी होगा, सभी। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, कैसी होती है? जन्म से, यानी 0 से 2 वर्ष, है ना। तो कहाँ पर दिया है? ए, जन्म से 2 वर्ष, यानी कि 0 से 2 वर्ष। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए बुद्धि लिंग से संबंध नहीं है, यह आपका सत्य होगा, क्योंकि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल गलत है। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, कैसे होगी? देखिए डायरेक्ट आपको बताया गया है ना, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि लड़के होगा या फिर लड़कियाँ होगा, वो तो यहाँ से होगा ना। एक मिनट ना, एक परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का उद्देश्य क्या है?
परामर्श का उद्देश्य है आपका बच्चों का समझ, बच्चों की कमियों को कारण पता लगाना, बच्चों के समायोजन में सहायता करना, है ना। अगर ऐसे ही डेली वीडियो करना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए अगर चैनल पर जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे, तो हमको उतने ही ज़्यादा आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसे संबंध होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो देखिए, जो शिक्षक और विद्यार्थी, जैसे कि मैं आपके लिए टीचर हूँ, ठीक है, और आप मेरे लिए विद्यार्थी, तो उसमें कैसे संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, समान का या सभी का, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य यानी कि हम दोनों के बीच जो ऐसा संबंध होना चाहिए वो है स्नेह का। उसी प्रकार विश्वास, सम्मान, ये तीनों होगा, ये आपका आंसर डी होगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, शिक्षक का आदर्श रूप और व्यवहार। मान लीजिएगा हम टीचर हैं और आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चों में नैतिकता की स्थापना यानी कि हम दोनों के बीच कैसी रहना चाहिए, व्यवहार कैसा रहना चाहिए, तो यही प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षक का आदर्श रूप यानी कि हमारा जो आदर्श रूप और व्यवहार शालीनतापूर्वक रहना चाहिए, वही आंसर होगा बी। शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो किंडरगार्टन का, ठीक है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य क्या बढ़ावा देता है, तो हम आपको कहेंगे आप अध्यापक हैं, मान लीजिएगा हम अध्यापक हैं और आप विद्यार्थी हैं, तो हमारा तो बनता है कि सहयोग की भावना, हम जितना हो सके हम आपको सहयोग करेंगे, जितना हो सके आपको कम्फर्टेबल हम क्लास दे पाएँ, है ना, जितना हो सके जितना भी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में वही कंफर्टेबल कर पाए, जितना भी हमसे बन सकते हैं हम प्रयास कर रहे हैं आपको, है ना, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हमारे तरफ से सहयोग करेंगे। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है ना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा 2005 के कमेंट ना बहुत बहुत आ रहा है यहाँ पर, अधिकम अपने स्वभाव और खालिस्तान से रहती, सक्रिय और सामाजिक, यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई को। खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विधित मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होती है ना, तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए इसका देखिए, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना की जो शुरुआत किया गया था 2004 में, 6 से 14 वर्ष के बीच, मान लीजिएगा 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस वर्ष में शुरू किया गया है, एग्जाम में पूछ सकता है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया है, 2001 में, ठीक है, याद रखना सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस वर्ष में शुरू की गई है, तो 2001 में, ठीक है। ऐसे और भी बाल विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो इसके द्वारा हम परिभाषाएं के आधार पर हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आप आपके लिए कब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया है 1998 में, ठीक है। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है, 6, 7, 8 या 9, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 2009 है ना, याद रखना 2009। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, विद्यालय की, शिक्षक के विषय समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट, इसका आंसर होगा आपका शिक्षक के विषय में समझ, ठीक है। लिखावट यहाँ पर नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, तो प्रभाव क्या है, शिक्षक
जो विषय में समझ है यानी कि हम पढ़ा रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी समझ रहनी चाहिए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण या फिर शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, किसके लिए? शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, ना कि प्रभावित करने के लिए। इसका आंसर बी। चलिए इसका आप लोग बताइएगा कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक के आकार से शिक्षक नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक बार फिर से समझिएगा, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकार शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखना करना चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है कि उनसे जाकर मिलना चाहिए, इसका आंसर बी होगा। समूह और सहभागिता द्वारा सीखने की जो अभ्यासों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं जल्दी से बताइएगा। निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, मान लीजिएगा पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना या पढ़ाई के रूप में जाना कहलाता है बंटित, समूहित, अंतरलित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यचर्या यानी कि हमारा दिनचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो इसका आंसर आपका एक अत्यधिक विशेषज्ञ की कार्य में विशेषज्ञता, ठीक है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, किससे? लोगों के बीच से, है ना। जो विद्यार्थी की प्रशंसा है, आप अकेले में उसकी प्रशंसा करोगे तो उतना खुश नहीं होगा जितने कि बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में आप उसकी प्रशंसा कर दोगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिससे भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर को फैसला किया जा सकता है? तो इसका आंसर ग्रेड होगा। स्कूल पुस्तकालय और एक शैक्षणिक तंत्र क्या है? विचारणीय मूल्य। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताएं। 60, 85, 50 या 95। तो इसका आंसर आपको होगा 85%। अनुसंधान से पता चला कि या फिर चलता है कि खालिस्तान सीखने की प्रक्रिया एक प्रबल चर और संभवतः योगदान या फिर योग्यता या फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। तो इसका आंसर होगा आपको अभिप्रेरणा। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार निश्चय किया है, इसका आपका बढ़ावा देता है, ठीक है। जब किसी शिक्षक पर पदाधिकारी हावी होते हैं तो या उसे अन्य कार्य के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्या करती है, उसकी क्षमता घटती है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक प्रोजेक्ट के साथ से सामग्री नहीं माना जाता? तो ब्लैक बोर्ड से, ठीक है। तो टोटल 40 प्रश्न हमने देख चुका है, उतना खास मुझे वीडियो में मज़ा नहीं आया क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट टाइम अच्छे खासे लाएंगे तो आप लोग बने रहिएगा फिर, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, आज क्लास 1 लेकर आए हैं, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए।